दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल कैसे उगते हैं और कैसे बढ़ते हैं? बाल हमारी खोपड़ी पर होते ही क्यों हैं? क्या इनकी जरूरत है? और हमारे बाल झड़ते क्यों हैं? दोस्तों, अगर आपने यह जान लिया कि बाल झड़ने के पीछे रीजंस क्या हैं, तो आप बालों की बहुत सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों के बालों की समस्या दूर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि बालों की ग्रोथ कैसे होती है और किन कारणों से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि बाल कैसे बनते हैं और क्यों झड़ते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए हमें बालों की संरचना के बारे में भी जानना होगा। तो पहले जानते हैं बालों की संरचना के बारे में। सिर की त्वचा के अंदर वाले हिस्से को हेयर फॉलिकल कहते हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्से को हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर फॉलिकल बनने में 22 हफ्ते का समय लगता है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 50 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं, जबकि सिर पर कुल 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। शाफ्ट्स में 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर रहने वाले भाग को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के नीचे एक बड़ा स्तर रहता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा कॉर्टेक्स के नीचे के और मध्य के भाग को मेड्यूला कहते हैं। चमड़ी के अंदर रहने वाले बाल के भाग को रूट कहा जाता है। बाल के बढ़ने से रूट धीरे धीरे शाफ्ट में बदल जाता है। जनरली 1 महीने में बाल आधा इंच या 1 वर्ष में 5 से 6 इंच बढ़ता है। रूट एक गड्ढे में होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल से ही बाल निकलता है। एक फॉलिकल से एक बाल या एक से अधिक बाल भी कई बार निकल सकते हैं। फॉलिकल नाशपाती के आकार की पैपिला से बना होता है। यह पैपिला चर्म का भाग होता है। पैपिला और फॉलिकल के संगम पर ही बाल बनता है। पैपिला ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है। इसी से रूट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे बाल का निर्माण और उसकी वृद्धि होती है। जैसे जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सेल्स वृद्धि करती है और धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब हमारे बाल की सेल्स बड़ी होने लगती हैं, तो वो हेयर फॉलिकल से स्किन के ऊपर निकल आती है, मतलब स्किन से ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। अगर हम सिर के बालों की बात करें तो सिर के बाल 2 से 6 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसके बाद वे झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए बाल निकलते हैं। यह क्रम एक लंबी उम्र तक चलता रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बालों के निर्माण के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। बालों का 95% हिस्सा कैरोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो 18 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। बालों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर मौजूद रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सिर के बालों का घनत्व कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सिर का आकार भी बड़ा होता है। क्योंकि बालों के निर्माण में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए महिलाओं और पुरुषों में बाल निर्माण का प्रोसेस अलग अलग होता है। दोस्तों, जब आपके बाल स्किन से बाहर आते हैं तो ये डेड हो चुके होते हैं, इसलिए जब आप बाल कटवाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। लेकिन हेयर फॉलिकल्स हमेशा जीवित रहता है, इसलिए जब आपके बाल कोई खींचता है तो आपको दर्द होता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बाल बनते कैसे हैं, चलिए अब यह जानते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, बाल के उगने और झड़ने तक उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उन बालों का विकास शुरू होता है तो उसके पहले चरण को एनाजेन, दूसरे चरण को कैटाजेन और आखिरी चरण को टेलोजेन कहते हैं। इस 3 चरणों से गुजरने के बाद आखिरी चरण में कुछ दिनों तक बाल रहते हैं और फिर गिर जाते हैं। इस साइकिल में चेंजिंग ही बाल के झड़ने का कारण होता है, क्योंकि जितने बाल टेलोजेन चरण में गिरते हैं उतने बाल 3 महीने के अंदर फिर से उग जाते हैं, यानी बालों की संख्या समान रहती है। सामान्य रूप से टेलोजेन चरण में 10% बाल झड़ते हैं, लेकिन टेलोजेन एफ्लुवियम अवस्था में बालों के झड़ने का अनुपात बढ़कर 30% हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बालों के एनाजेन से टेलोजेन के साइकिल में परिवर्तन और झड़ने का अनुपात जब बदल जाता है, उस अवस्था में टेलोजेन एफ्लुवियम कहते हैं, और इसी कारण कुछ लोग तो गंजे हो जाते हैं। बाल झड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पोषण की कमी या बालों की देखरेख में गलती। दरअसल हेयर फॉलिकल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्किन के नीचे मौजूद ब्लड वेसल से आते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए अधिकतर आपकी बॉडी में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर भी बालों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए हेयर फॉल के लिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले यह जान लीजिए कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी तो नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपको बालों से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सिवाय इसके कि बालों का सर पर क्या काम है, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, बाल हमारे शरीर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सर पर बालों का एक महत्वपूर्ण कार्य हमें सूरज की तेज धूप से बचाना होता है। यहाँ तक कि हमारी भौहें भी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिनसे पसीना और बारिश का पानी हमारी आंखों से दूर रहता है। इसे हमें एक प्राकृतिक उपहार के रूप में देखना चाहिए।
दोस्तों उन प्राचीन समय के बारे में सोचिए जब मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता था और जंगल में हिंसक जीवों से खुद की रक्षा करनी होती थी। ऐसे वक्त में हमारे पैर, हाथ और पीठ पर घने बाल हमें कटने से और छिलने से बचाते ही थे, साथ ही तरह तरह के कीड़ों के काटने से भी बचाते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जमाना बदल गया है, अब हमें भोजन के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं है और इसलिए चिकनी और बालों से मुक्त त्वचा फैशन का हिस्सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।